सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर के कोलजिया स्थित शुभा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शनिवार को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएड सत्र 2020-22 एवं डीएलएड सत्र 2019-2021 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार, डीपीआरओ रश्मि कुमारी सिन्हा, डीएससी विनय कुमार, स्कूल के निर्देशक सह चेयरमैन संजय कुमार सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान विदाई प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा नाटक, गीत, नागपुरी नृत्य जैसे कई मनमोहक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनडीसी सुदेश कुमार ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन करना एक तरह का महापुरुषों का बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही आज विदाई प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थी अपने जीवन में बेहतर स्थान प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम करेंगे। डीपीआरओ ने कहा कि शुभा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करना और भी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। डीएससी ने कहा कि बीएड एवं डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को सदैव ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, तभी जाकर शिक्षा क्षेत्र में और विकास हो पाएगा।